गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास टेंथ सेकेंड लेसन एसिड बेस एंड साल्ट स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस साल्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि इतिहास क्या है एसिड का, बेस का, साल्ट का। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। नाउ हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एसिड क्या है। जैसे अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड को आप समझते हो तो कहते हो कि पहली बार एसिड को उसके कोरेसिव नेचर की वजह से, टेस्ट की वजह से या इंडिकेटर के आधार पे सब्सटेंस को एसिड का रूप दिया गया, कहा गया कि इस तरह के अगर कोई सब्सटेंस अपना नेचर शो कर रहा है तो ये सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। जैसे कि आप लोग कहते हो कि अगर कोई सब्सटेंस हाईली कोरेसिव नेचर है तो वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड हो जाएगा। दूसरा आप कहते हो कि अगर कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर पे रेड हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारा सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। फिर कहते हैं कि ये हाईली कोरेसिव होगा। टेस्ट में क्या होता है, शो टेस्ट दे। अगर टेस्ट में जो सब्सटेंस शो टेस्ट दे उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड कह देते हैं। जस्ट इसी के विपरीत अगर बेस को हम लोग समझते हैं तो बेस कहते हैं, बेस बीटर टेस्ट देता है और उसका भी टेस्ट शोर हो, बीटर टेस्ट देता है और वो हमारा क्या होता है, कोरेसिव होता है बट एसिड से लेस कोरेसिव होता है। और ये रेड लिटमस पेपर पे ब्लू हो जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि ये सब्सटेंस क्या है, बेस है। बट बाद में एसिड का बेस में क्रांति तब आई जब अर्हेनियस ने आए और अर्हेनियस ने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के आधार पे ये बताया कि किस सब्सटेंस को एसिड कहेंगे और किस सब्सटेंस को बेस कहेंगे। हालांकि ये भी लॉजिक हर सब्सटेंस को एसिड और बेस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, फिर भी हम लोग इसके आधार पे हम लोग बताते हैं कि जब कोई सब्सटेंस को अगर वाटर में डिजॉल्व कर देते हो तो आफ्टर डिजॉल्विंग अगर H+ आयन देता है और हाइड्रोनियम आयन देता है तो हम लोग कहते हैं कि ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है। इसी के विपरीत अगर जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं और डिजॉल्व करने के बाद अगर हाइड्रोक्सिल आयन देता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेस कह देते हैं। देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो हम लोग एसिड लेते हैं तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन अ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर टू गिव H+ आयन OR हाइड्रोनियम आयन H3O+ आर कॉल्ड क्या, एसिड। देखो बेटा, यह समझना है कि अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जब किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हो वाटर में तो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड कह देते हैं, आर कॉल्ड एसिड। अंडरस्टूड बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो किसी सब्सटेंस, जैसे मान लो H2SO4 है, H2SO4 को अगर पानी में डिजॉल्व करते हैं हम लोग तो हमको दे देता है क्या, H+ मींस H+ आयन देगा तो यहाँ बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर से जुड़ा हुआ है। आप इसे समझते हो कि वाटर हमारा ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन से इधर जुड़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन से इधर शेयरिंग कर लेता है, बाकी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर बचा रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो जैसे H2SO4 H+ आयन देगा तो तुरंत इसे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ पे सल्फेट आयन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे H2SO4 दो H+ आयन रिलीज कर रहा है। कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है बेटा, 2 H+ आयन रिलीज कर रहा है। फिर सिमिलरली HCl को एक्वास सॉल्यूशन में डाल दो तो भी H+ आयन दे देगा और Cl-, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3 है, पानी में डाल दो ये दे देगा H+ आयन और कार्बोनेट आयन CO3-,
जितने एच प्लस आयन आते हैं बेटा वो सारा उस एटम उस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिसिटी। एक्चुअल में बेसिसिटी है क्या? तो बेसिसिटी मींस अगर एक एच प्लस आयन है और एक ओ एच माइनस मिल जाए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, मींस वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा, न्यूट्रलिटी को अपटेन कर लेगा। इसलिए जितने एच प्लस आयन होते हैं उतना उसकी बेसिसिटी मींस उतना ओ एच माइनस चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उतना ओ एच माइनस चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। जैसे एच प्लस आयन है, एक एच प्लस आयन एक ओ एच माइनस क्या बना देगा? एच टू ओ बना देगा। ठीक उसी तरीके से अलग अलग एसिड की अलग अलग क्या है? बेसिसिटी है। सेम भी हो सकती है, डिफरेंस भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे HCl की बेसिसिटी कितना है? 1 है। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड की बेसिसिटी क्या है? 2 है। यहाँ पे एसिटी के सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितना है? 1 है, मतलब सॉरी 2 है। मतलब बेसिसिटी आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू मीन बाई बेसिसिटी, तो बेसिसिटी को डिफाइन करोगे द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज बेसिसिटी। जितने नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे वो सारे नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन उस एसिड की क्या कहलाएगी? बेसिसिटी कहलाएगी। अब ऐसा ये नहीं कि हर एसिड में, जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूछता है कि क्या एसिड में भी हाइड्रोक्सिल आयन है? जी हाँ, एसिड में भी हाइड्रोक्सिल आयन है, बट एच प्लस का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ज्यादा है। अगर एच प्लस का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ज्यादा है तो हमारा एसिड करेक्टर देगा, अगर एच प्लस का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कम है तो हमारा बेसिक करेक्टर देगा। अगर कोई सब्सटेंस में एक्वा सॉल्यूशन देने के बाद एच प्लस का आयन और ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाएगा तो ये हमारा कैसा देगा बेटा? न्यूट्रल देगा। कैसा देगा? न्यूट्रल देगा। इस तरीके से हम लोग आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड को जस्टिफाई करते हैं और एसिड को हम लोग क्या करते हैं? बेसिसिटी जानते हैं। एसिड कैसे? एच प्लस आयन जितने होंगे तो हमारा एसिड होगा, बेस होगा। आप यहाँ से आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है बेटा, एक बार और समराइज कर दे रहा हूँ कि जब किसी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जब किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, डिजॉल्व करने के बाद अगर एच प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन दे देता है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। जैसे कि हम लोग H2SO4 को पानी में डाल दिया तो पानी में डालने के बाद हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर वाटर के पास वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है तो एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ से एरी कर लिया, एक हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन एटम एक पॉजिटिव सेंटर है, तुरंत इस पर अटैक करके और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? हाइड्रोनियम आयन का। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? हाइड्रोनियम आयन। किसका फॉर्मेशन कर लेगा बेटा? हाइड्रोनियम आयन। इसी के सिमिलरली HCl है, पानी में डाल दोगे H प्लस आयन Cl माइनस कार्बोनिक एसिड को पानी में डाल दो तो H प्लस आयन कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग बेसिसिटी जानते हैं और बेसिसिटी हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज बेसिसिटी। जितने हाइड्रोजन आयन होंगे वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी कहलाएगी। अब H प्लस आयन OH माइनस के आधार पे आर्हेनियस ने एसिडिटी और बेस को बताया, एसिड और बेस को बताया। और यहाँ पे एक चीज उन्होंने ये बताया, जैसे आप लोग के दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है कि कब हमारा एसिड, क्या एसिड में भी एच प्लस आयन ओ एच माइनस होता है? तो जी हाँ, एसिड में भी एच प्लस आयन भी होता है, ओ एच माइनस भी होता है। बट
अगर H प्लस का कंसंट्रेशन OH से ज्यादा हो जाता है तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कह देते हैं, या जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन OH से कम हो जाता है तो हम लोग उस तरह के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देते हैं, बेसिक कह देते हैं। और जब दोनों का बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूट्रल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यूट्रल कह देते हैं। अब एसिड को और भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, इसके अलावा अरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू एसिड को हमने जान लिया, इसके अलावा भी एसिड को जानने के लिए हम लोग कई सारे इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। और इंडिकेटर्स भी हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है और ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स होता है। और आप नाम से ही क्लियर कर पा रहे हो कि इंडिकेटर का मतलब होता है कि एसिड में वो अलग कलर के आधार पे, स्मेल के आधार पे या एपियरेंस के आधार पे उसको हम लोग क्या किए, बांट दिए अलग अलग पार्ट में। जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडिकेटर्स, इंडिकेटर का मीनिंग क्या होगा, एक सूचक कि कैसा ये चीजें बता रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडिकेटर्स को हम लोग तीन पार्ट में बांट दिए इंडिकेटर्स, तो हम लोग कहते हैं कि एक हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो नेचर में ऑब्टेन हो और एसिड में अलग इंडिकेशन दे रहा हो और बेस में अलग इंडिकेशन दे रहा हो, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स कहेंगे। और कुछ इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेटर को हमने खुद बनाया वो इंडिकेटर हमारा क्या कहलाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाता है। एक हमारा ओल्फैक्टिक इंडिकेटर, ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर। और एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर, जैसे मान लो हम लोग क्या कहते हैं, लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक एक इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हम लोग मिथाइल ऑरेंज जानते हैं, मिथाइल ऑरेंज एक तरह का सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, फिनॉल फैथलीन एक तरह का सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। और ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स क्लोव आयल, वेनिला, ये सब क्या है, ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स है। मतलब स्मेल के आधार पे जो इंडिकेटर बांटा गया उसको, स्मेल के आधार पे जो इंडिकेटर एसिड या बेस के बारे में बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओल्फैक्टिक इंडिकेटर। क्लियर। कलर के आधार पे जो बताता है उसको नेचुरल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच और कलर दोनों के आधार पे बताता है। पीएच अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो ये पीएच के आधार पे इंडिकेट करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा और कौन सा सब्सटेंस बेस होगा। क्लियर। थैंक यू बेटा।